कैसे हो प्यारे बच्चों? आज हम आप जैसे ही एक प्यारे और भोले भाले बच्चे की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी हम सबके जीवन का एक सच है और इस कहानी से हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख जाएंगे। जैसे कि आप दादी नाम से तो परिचित ही हो। दादी यानी हमारे पापा की माँ। दादी हमें ढेरों कहानियां सुनाती है। दादी हमें बहुत प्यार करती है। दादी हमारा बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। दादी हमें बाहर घुमाने लेकर जाती है। हम दादी से बहुत नजदीक होते हैं। हम दादी से अपना सब कुछ साझा करते हैं। पर हमारा बचपन ही ऐसा होता है जो शरारतों और मस्ती से भरा हुआ होता है। पर कभी-कभी ये शरारतें दूसरों को परेशान कर देते हैं। तो हमें इस कहानी से ये सीखना है कि हम कभी दूसरों से शरारतें नहीं करेंगे और उनके जीवन में परेशानी नहीं लाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें बड़ों का कहना मानना है। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। पाठ 5, नकुल की दादी। नकुल बहुत शैतान था। नकुल आप ही के जैसा एक बहुत प्यारा बच्चा है। वह बहुत शैतान था। शैतान था मतलब मस्ती करता था, बदमाशी करता था। उसकी शैतानियों से उसकी दादी बहुत परेशान रहती थी। अब जब आप शैतानियां करते हो तो मम्मी पापा दादा दादी सब परेशान हो जाते हैं ना, उसी तरह नकुल की दादी भी नकुल से बहुत परेशान रहती थी। जबकि नकुल सबसे ज्यादा प्यार भी अपनी दादी से ही करता था। नकुल प्यार किससे करता था सबसे ज्यादा? अपनी दादी से। और तंग भी किसे करता? अपनी दादी को। एक दिन नकुल के पापा मम्मी को दिन भर के लिए घर से बाहर जाना था। अब जैसे आपके पापा मम्मी भी बाहर जाते हैं ना जरूरी कामों के लिए, उसी तरह नकुल के मम्मी पापा को भी घर से बाहर जाना पड़ा कोई जरूरी काम के लिए। और उन्होंने कहा कि हम पूरे दिन बाहर रहेंगे, हम रात को आएंगे। पर नकुल, आप दादी को परेशान नहीं करना, दादी की बात सुनना। नकुल को घर में दादी के साथ रहना था। अब घर में कौन बचा? घर में बचे नकुल और दादी। तो नकुल को दादी के साथ पूरा दिन बिताना था। जाने से पहले पापा मम्मी ने नकुल को समझाया कि उसे दादी का कहना मानना है। अब पापा मम्मी तो बोलेंगे कि दादा दादी को परेशान नहीं करना है, आपको अपना काम खुद करना है और शरारते नहीं करनी है, सबसे बड़ी बात, और शरारते नहीं करनी है। लेकिन पापा मम्मी के जाते ही वह अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने चला गया। अब नकुल ने क्या किया? जैसे आप लोग भी करते हो ना, मम्मी पापा जैसे ही घर से बाहर गए, हम भी पीछे पीछे बाहर चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ खेलने। उसी प्रकार नकुल भी जैसे ही मम्मी पापा घर से बाहर निकले, अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने चला गया। ये देख रहे हैं आप, नकुल अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर खेल रहा है। दादी के कई बार बुलाने पर भी वह नहीं आया। अब बहुत समय बीत गया। दादी ने सोचा अब नकुल को बुला लिया जाए। तो दादी ने कई बार बुलाया नकुल को कि नकुल आ जाओ, पर फिर भी नकुल नहीं आया। न नहाने की सुध, न खाने का होश। अब नकुल को उसके मम्मी पापा बोल कर गए कि बेटा नकुल आप नहा लेना, आप समय से खाना खा लेना। लेकिन न तो नकुल नहाया और न ही उसने कुछ खाया। घर आया तो टीवी देखने
बैठ गया। अब जब सारा दिन वो खेल कर बाहर से आया, तब क्या किया, ना तो नहाया ना खाना खाया, और क्या करने लगा, टीवी देखने बैठ गया। आप सब भी टीवी देखते हो ना बहुत, उसी तरह नकुल भी टीवी के सामने बैठ गया। सारा दिन नकुल के पीछे भागते रहने के कारण दादी की तबीयत बिगड़ने लगी। अब पूरे दिन भर दादी नकुल के पीछे पीछे लगी रही कि नकुल बेटा खा लो, नकुल नहा लो, नकुल थोड़ा सा अपना होमवर्क कर लो, लेकिन नकुल कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब नकुल की दादी को चिंता रहने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई। दादी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, दादी को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। अब दादी जब नकुल की चिंता कर रही थी तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मतलब हाई हो गया। रात को जब नकुल के पापा मम्मी आए तो उन्हें दादी को अस्पताल ले जाना पड़ा। तो रात को जब नकुल के पापा मम्मी आए तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि दादी की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, उन्हें अस्पताल मतलब हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब रात भर वे वही रहे। अब जब नकुल के मम्मी पापा दादी को हॉस्पिटल लेकर गए तो उन्हें भी उनके साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो रात भर मम्मी पापा और दादी हॉस्पिटल में रहे, अस्पताल में रहे। दूसरे दिन नकुल के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जा रहा था। अब जैसे हमारे स्कूल में भी आप देखते हैं ग्रैंड पेरेंट्स डे होता है। ग्रैंड पेरेंट्स डे मतलब दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी या नाना नानी, उनको स्कूल में बुलाया जाता है, उनके साथ गेम्स खेले जाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है, तो दादा दादी नाना नानी खुश हो जाते हैं। उसी तरह नकुल के स्कूल में भी ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जा रहा था। ग्रैंड पेरेंट्स डे, दादा दादी डे, नाना नानी डे। नकुल ने भी एक कार्यक्रम में भाग लिया था। अब नकुल, जैसे आप लोग भी प्रोग्राम होता है स्कूल में, स्टेज पे डांस करते हो मतलब यू आर पार्टिसिपेटिंग इन डांस, करेक्ट। तो वैसे ही नकुल ने भी एक कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम में भाग मतलब पार्टिसिपेट किया था। सभी बच्चों के दादा दादी नाना नानी वहां आए थे। अब ग्रैंड पेरेंट्स डे था तो सभी बच्चों के दादा दादी और नाना नानी वहां आए थे। नकुल को पछतावा हो रहा था कि उसकी शैतानियों के कारण दादी की तबीयत खराब हो गई। अब नकुल को अपनी गलती पता चल रही थी, पछतावा होना मतलब अपनी गलती का पता चलना। अब नकुल को अपनी गलती पता चल रही थी कि उसकी शैतानियों के कारण दादी की तबीयत खराब हो गई। अब वो अपनी दादी को मिस कर रहा था, वो चाहता था कि उसकी दादी भी प्रोग्राम में आए, क्योंकि सबके दादा दादी और नाना नानी आए थे। तो नकुल को बहुत बुरा लग रहा था, वह सुबक सुबक कर रोने लगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर नकुल रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, सुबक सुबक का मतलब जोर जोर से रोने लगा। और साथ में कौन खड़ा है, टीचर। टीचर के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। अब नकुल जोर जोर से रोने लगा। जब आप क्लास में रोते हो तो टीचर आकर पूछती है ना, बेटा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो, तो नकुल ने सारी बात अपनी टीचर को बता दी। टीचर ने उसे चुप कराया। जब आपसे कोई गलती होती है, आप रोते हो तो आपकी टीचर पूछती ना, बेटा क्या हुआ, तो आप बताते हो कि हाँ हाँ ये सब हुआ, तो टीचर ने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा।
उसी प्रकार नकुल की टीचर ने भी उसे चुप कराया और स्टेज पर जाने के लिए तैयार कर दिया। उसने बोला, कोई बात नहीं बेटा, अभी आप पहले अपना परफॉर्मेंस देके आओ स्टेज पर, आप अपने कार्यक्रम पे ध्यान दो। कार्यक्रम शुरू होने पर नकुल स्टेज पर आया। अब कार्यक्रम प्रोग्राम शुरू हो गया, नकुल की बारी थी, तो नकुल स्टेज पर आया। सामने देखा तो पहली लाइन में पापा मम्मी के साथ दादी भी बैठी थी। बच्चों दिख रहा है आपको, यहाँ ये देखिए, ये दादी, ये पापा और ये मम्मी। पहली ही लाइन में पापा मम्मी के साथ दादी भी बैठी थी। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही दादी सीधा नकुल के स्कूल आई। अब जैसे ही दादी को अस्पताल यानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, छुट्टी मिली, तो वो सीधा कहाँ गई? नकुल के स्कूल आई। नकुल की खुशी का ठिकाना न था। नकुल बहुत खुश था, बहुत 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 खुश था। उसकी आंखों में आंसू थे। आंखों में आंसू थे मतलब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसकी गलती के कारण दादी की तबीयत बिगड़ गई है। फिर भी दादी नकुल का कार्यक्रम देखने स्कूल आई थी। वो अपने प्यारे नकुल को देखना चाहती थी कि वो स्टेज पर कैसा प्रोग्राम कर रहा है। दादी का तो वह लाडला था, दादी का तो वह बहुत प्यारा था, दादी उसे बहुत प्यार करती थी। दादी ने तो उसे पहले ही माफ कर दिया था। अब देखो बच्चों, नकुल ने दादी का कहना नहीं माना, फिर भी दादी ने उसे माफ कर दिया था। उसकी शैतानियों की वजह से दादी बीमार हो गई, फिर भी उसने उन्होंने बुरा नहीं माना और उन्होंने नकुल को माफ कर दिया। इस पाठ से हमें यह सबक सीखना चाहिए कि हमें बड़ों की बातें माननी चाहिए।